देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है युद्ध स्तर पे लग चुकी है और यहाँ पूरा तैयारी चल रहा है रेस्क्यू करने के लिए। माननीय विधायक जी का निरंजन राय जी के सौजन्य से ये नाव चल रहा है, सही बात है? लेकिन सब हम लोग का भुगतान है, खर्च है अपना पैसे से। हम अभी हम उसी स्थान पे हैं जहाँ पे नाव पलटा हुआ था। आप सभी को सबसे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यही वो नाव था और यही नाव पलटा हुआ था। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि माननीय विधायक जी का निरंजन राय जी के सौजन्य से ये नाव चल रहा है, सही बात है? लेकिन सब हम लोग का भुगतान है, खर्च है अपना पैसे से। हम लोग नाव बनाए, काहे नाम लगाने दिए, नेम पर लगाने दिए? हम लोग नहीं दे, बगैर देखे हुआ कहे हुआ लगा के चला गया। हम लोग को बाद में मालूम हुआ, बाद में पता चला है, बाद में पता चला है। गांव से चंदा करके नाव बनाते हैं, हमेशा 500,000 रुपया लगता है हम लोग के साल में। और सबसे पहले नाव थोड़ा दिखा दीजिए, इसी नाव पे 33 लोग टोटल सवार थे। आप देखिए ना, ये तेल लाने के लिए, राशन लाने के लिए, इतने के लिए क्या कीजिएगा? अभी सवेर का टाइम, हमको ड्यूटी जाना है, नहीं मिलेगा सामान तो खाना नहीं बनेगा, कैसे काम? स्कूल के लिए कहाँ गया? मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी के समाधान स्कूल बनाओ, वहाँ पर सब कुछ कहाँ आएगा? इधर नहीं आएगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं? जो स्कूल अगर बना देगा, जो परीक्षा के स्कूल, हाई स्कूल के लिए जा रहा है, बेनीबा जा रहा है, केरसा जा रहा है, चाहे भटगामा बलौर जा रहा है, तो उस गांव में मधुरपट्टी में बनाओ, जो मधुरपट्टी का बच्चा मधुरपट्टी में पढ़ेगा, नहीं आएंगे इस बार में, नहीं डूबेगा। इसमें पुल बनवा दो तो पुल होकर के आएगा, पुल होकर जाएगा अपना आदमी। तो बड़ी दुख की बात है कि आजादी को 76 साल बीत गया लेकिन आज तक यहाँ एक पुल नहीं बना हुआ। जो नदी में डूबा 30 आदमी 35 आदमी एक गांव का डूबा, तो गांव संस्कार पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया तो उसका वोट तो सब गया सरकार को, तो पूरा पब्लिक गया ना कि नहीं गया? उसको बाद में माने उसमें 13 आदमी नीचे डूब गया, उसको बाद में जाकर के जो बाकी बचा 12-13 आदमी तो हम लोग छाने, खुद अपना हाथ से मैं छाना हूँ, 5-6 को मैं छाना हूँ, थर्मस पकड़वा के कुछ पकड़वा के मैं छाना हूँ। लेकिन सरकार लोग, आप लोग देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है युद्ध स्तर पे लग चुकी है और यहाँ पूरा तैयारी चल रहा है रेस्क्यू करने के लिए। कल भी दिन भर रेस्क्यू का काम चला और कोई भी आदमी को निकाला नहीं जा सका, किसी भी व्यक्ति को नहीं निकाला जा सका, और अभी वही काम चल रहा है फिर से, और युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं, इसको शुरू किया जा चुका है रेस्क्यू काम का। यहाँ पे गांव के लोग हैं, सब लोग कम से कम हर साल आदमी डूबता है, हर साल में कस्बा की पुल चाहिए तो ओरिजिनल चाहिए, नहीं तो अपना घर मरावे सरकार, अपना माँ चोदावे, और क्या करना उसको? कोई नेता गिर जाएगा, कोई माधव चौक के इसमें डूबा जाएगा, उसको भी इसमें रख दूंगा, उसको क्रोध में। जब 13 आदमी मेरा गाँव से चला गया तो तू घर मराने के आएगा वोट मांगने के लिए? जब वोट का समय आएगा तो सब भोसरी वाला आएगा, अभी आने के लिए माँ चोदा रहा है क्या? देना है तो पुल सही से दो, नहीं देना तो माँ चोदा, गया तो गया, गाँव गया। इनका दुख हम लोग समझ सकते हैं, काफी दुखी हैं, इसलिए कि इनके सामने वारदात हुआ है। हाँ, मैं आंखों के सामने वारदात हुआ है। से मैं 5-6 देश छोड़कर मैं बचाया हूँ, बाकी 13 आदमी मेरा गांव का गया, एक मधुरपट्टी का बहन जो 35 आदमी था, 35 में 12-13 आदमी चला गया, तो दुखी तो होगा ना, एक गाँव का संस्कार खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। कितना लोग हो सकता है इसमें अभी डूबे हुए? अभी 13 आदमी है इसमें, 13 आदमी इसमें नीचे पड़ा हुआ है, 13 है। बड़ी संवेदनशील मामला है और आप लोगों के सामने है, दिख रहा है। यहाँ एक पुल बन जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन आज तक एक पुल नहीं बनने के वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। भाई कितना की लागत से बना हुआ है? अरे तो बेफालतू में खर्च किया, इसका कोई मायने चीज नहीं है, इसी के जो बनाया तो इसी के लिए तो बहनचोद लद्दी में बार बार नाव में ठोकर लगता है, इसके कारण तो टूट गिरा है, इसी के कारण तो बहनचोद बना दिया, अपना पैसा छुड़ा लिया, नेता डीलर मार चुदाया, खाया पिया, ऐस किया, जिसका ठेकेदारी था, जो मुखिया था, जो सरपंच था, जो ठेका दिया था उसको मालूम चलेगा ना, लेकिन इसके कारण पाया के कारण एक बार धक्का लगता है, धक्का लगने के बाद रेता पर नाव जाता है, इसके कारण रास्ता टूटता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना रफ तरीके से बनाया गया है, सबसे खतरनाक काम है, उतना बड़ा नाव है और जगह एकदम कम दिया गया, जगह पूरा देना चाहिए था और पूरा एकदम मैंने भद्दा तरीके से, कौन सा इंजीनियरिंग का नमूना यहाँ पेश किया गया है ये कुछ भी मालूम नहीं है। तो नीतीश कुमार जी, जिस बेस के आधार पे आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और कौन से बेस के आधार पे बनने का सपना देख रहे हैं, कौन से विकास के मुद्दे पे आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ये आप ही को मालूम है।
बाकी पब्लिक बताए, जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताए।